आपका गाना हाल में ही तेरा इश्क बहुत मीठा है बी4यू पर रिलीज हुआ है और लोगों ने भी मीठा किया है, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी और ऑडियंस को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मेरे गाने को इतना पसंद किया। और एक्चुअली ये गाना नहीं, मेरे लिए ड्रीम है, क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो एक म्यूजिक एल्बम करूंगी, और मेरा फर्स्ट गाना सब लोगों ने इतना पसंद किया तो देखा जाए तो मेरा सपना ही पूरा हुआ है। और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी और बी4यू की तरफ से भी सबको बहुत शुक्रिया। इस गाने के अनुभव के बारे में बताएंगे, शूटिंग के दौरान आपके जो शूटिंग हुए होंगे कुछ पल? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेन मेरा को एक्टर था रुस्लान मुमताज, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब को एक्टर सपोर्ट करता है तो आपका शूट अच्छा होता है। तो और टीम, तो गाना ही इतना प्यारा था कि जब ऑडियो इतना अच्छा होता है तो आपको शूट करने में मजा आता है। और मेरे डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, DOP सबने इतने अच्छे से काम किया है और उसका रिजल्ट सबके सामने आया है कि लोग इस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं। चलिए, इश्क तो बहुत मीठा हो गया। जैसा कि आपके प्रोफाइल में हमने देखा है कि आप एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में भी रह चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक्टिंग, डायरेक्शन, इनके अलावा और किन किन चीजों में आप रुचि रखते हैं? मुझे एक्टिंग, डायरेक्शन के अलावा मूवीज देखना बहुत पसंद है, और मूवीज तो देखा जाए मेरे करियर का पार्ट है। और मैं बचपन से क्रिकेट बहुत देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। क्रिकेट, राइट। क्रिकेट से एक सवाल याद आता है, जैसा कि हमारी टीम काफी टाइम से आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर रही है, तो इंस्टाग्राम पर आप आजकल जब भी स्टेडियम में मैचेस देखने जाते हैं, IPL देखने जा रहे हैं, तो आपके हर पोस्ट या स्टोरी में एक वर्ड मेंशन कर रहे हैं आजकल, माई बॉय। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप माई बॉय पर्टिकुलर किसी क्रिकेटर को ही मेंशन कर रहे हैं जहां तक हमें लगता है, तो वी वुड लाइक टू नो कि ऐसे कौन खुश नसीब क्रिकेटर हैं जिसके बारे में आप माई बॉय लिखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्रिकेट पसंद है और मैं मोस्टली सब मैच देखने जाती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई है खास जिसके लिए मैं स्पेशल जाती हूँ, पर आज मैं अभी उसका नाम, अगर हम नाम जानना चाहें तो नहीं, सॉरी, आज मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ओके, तो क्रिकेट में आप किसको एज अ क्रिकेटर यू नो ज्यादा लाइक करते हैं, आपको लगता है किसके आप फैन हैं, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? क्रिकेट से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, मैनेजमेंट टीम, क्योंकि बीच में मैंने उन लोगों के साथ काम भी किया था। तो देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा जो मेरा सर्कल है वो क्रिकेट और स्पोर्ट्स में है। बट अगर एज ए फैन बोलो तो मैं श्रेयस अय्यर, जो आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में है, और रोहित शर्मा, क्योंकि वो तो सबके ही पसंद है, तो मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। अभी तेरा इश्क बहुत मीठा के बाद अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आपको किन किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले? इस प्रोजेक्ट के बाद एक मैं और म्यूजिक वीडियो करने वाली हूँ जो मई के फर्स्ट वीक में हम लोग शूट कर रहे हैं, और वो शूट हम आउटडोर करेंगे, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। और उसके बाद मैं एक वेब सीरीज में काम करूंगी, बट अभी कुछ उसका भी शूट कन्फर्म नहीं हुआ है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा फर्स्ट गाना इतना पसंद किया है, तो प्लीज आने वाले प्रोजेक्ट में भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी। और अगर हम जो यूथ जो आजकल एक्टिंग में आ रहे हैं, नए यंगस्टर्स जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। तो आपको जो चाहिए, आपको जो लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपको प्लीज खुद पे फोकस करना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता है। और ये आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होता है कि मेहनत करते हैं लेकिन अगर टाइम लग जाता है तो सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत खराब है, हम कर नहीं सकते। तो किस्मत आप खुद से बनाते हो, तो प्लीज अपने करियर पे फोकस कीजिए।
किस्मत खुद से ही बनती है, राइट, खुद की मेहनत से बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, समय